बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। थोड़ा नजदीक आइए। प्रणाम। हाँ प्रणाम, कहाँ से हो? 15-20 किलोमीटर गांव एक झारला गांव। पहली बार आए जी? दरबार में भी पहली बार आए? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ लगातार कथा में। हाँ जी। आपने यहाँ अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा किसी को बताई? नहीं, किसी को नहीं बताई। अच्छा, क्या नाम था? मेरा नाम यश। अच्छा, हमने तुम्हें बुलाया है क्या? हाँ जी गुरु जी। अच्छा यार, तो फिर हमें तुम्हारा नाम कैसे पता? बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है गुरु जी, पापर का कुछ भी काम नहीं चल रहा। हाँ। कर्जा हो गया बहुत। कितना है? 35 लाख के आसपास। और बोलो। और गुरु जी, जो मेरे जन्म पत्री में बात लिख रही है सारी सही है वो? क्या? कि मैं भविष्य में, मेरे साथ ये होगा, भविष्य में मैं पुलिस बनूंगा या दवाई में, दवाई सरकारी नौकरी लगेगी। पढ़िए, आर्थिक तंगी, कर्ज बना, पिता परेशान है बहुत ज्यादा, उनका मूल प्रश्न लेकर के आप आए हैं। स्वयं आप कारोबार व्यापार में सफल होंगे। वर्तमान में 23,87,000 रुपए का कर्जा आपके परिवार के ऊपर चढ़ा है, 2026 के पूर्व तक चुक जाएगा, काम में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जय हो सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर वाले बाबा की जय, जय श्री राम। इसी को जारी रखना है जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, इसी में सफल होंगे। दो बातें और हमने लिखी जी। घर में बंधन किया गया 2019 से, ये सब कार बंद पड़ गए जी। जी। माइक नजदीक रखिएगा जी गुरु जी। 2019 से कार बंद पड़ गए, बंधन टोटका का प्रयोग किया गया, वह परिवार में कलेश भी बहुत मचा हुआ है, बहुत ज्यादा। दो काम पूर्व में बंद हो चुके, पिता की लोग बेइज्जती बार बार करते रहते हैं, जिसको लेकर के भी बहुत ज्यादा आहत हैं। आप धाम पहुंचे, कवच दिया जाएगा, कर्तव्य आपको करना है, काम करेंगे, निश्चित रूप से दी हुई सन के पहले आपका कर्ज चुक जाएगा। वो आगे चलकर एक बड़ी जमीन लेने का सपना जो आपका है वो भी पूर्ण हो जाएगा। अभी एक जगह आपने बात भी की, आशीर्वाद जी गुरु जी। खुश रहो, उठ बैठो। यस नो, एकदम सही। हमारे हनुमान जी का भाई भाई बहुत, नहीं नहीं दूर से ही प्रणाम, भाई भाई बहुत तेज है।